प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त तो रहे वाई कुरैशी के इंटरव्यू पर प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने साधा निशाना। उन्होंने देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी को आतंकियों का स्लीपर सेल बताया है। उन्होंने कहा, इनकी मानसिकता पर दुख होता है, वह एक कौम विशेष के लिए काम कर रहे हैं। यह वही मानसिकता है जो आज़ाद मैदान में दिखाई दी, यह वही मानसिकता है जो गोधरा में दिखाई देती है। देखो, आज बड़ा दुख होता है इस बात को लेकर कि अजीज कुरैशी जैसे लोग इस देश के चुनाव आयुक्त रहे, जिनके मानस में इतनी घृणा और गंदगी भरी हुई है। उन्होंने किस प्रकार से देश के चुनाव प्रक्रिया का संचालन किया होगा, जिन जिन पदों पर वे रहे उन्होंने किस प्रकार से किस एक कौम विशेष के लिए काम किया होगा, इस पर चिंता करने की आज आवश्यकता है। आज जिस प्रकार से उन्होंने हिसाब को लेकर बोला है, अच्छा होता अजीज कुरैशी पढ़े लिखे आदमी के नाते किताब की बात करते कि मुस्लिम बेटियों को किताब दो, पेन दो, कलम दो, कंप्यूटर दो, उनको पढ़ाओ लिखाओ। हिजाब की जिस प्रकार से वकालत कर रहे हैं, भारत के संविधान का जिस प्रकार से वो अपमान कर रहे हैं, ये अक्षम्य है। बेसिकली ये एक मानसिकता है जो ट्विन टावर में दिखाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग गरीब होने के कारण अपराध करते हैं। ट्विन टावर पर जिन्होंने हमला किया पढ़े लिखे इंजीनियर थे, हवाई जहाज किसी विमान इमारत में जा सकता है, ये कल्पना नहीं कर सकते हम। ये वही मानसिकता है जो आज़ाद मैदान में दिखाई देती है मुंबई के, ये वही मानसिकता है जो गांधी मैदान में दिखाई देती है पटना के, ये वही मानसिकता है जो गोधरा में दिखाई देती है, जहाँ निरीह लोगों को, निरपराध लोगों को जिंदा जला दिया जाता है एक बोगी के अंदर। कभी कभी तो लगता है कि एक बड़ी स्लीपर सेल इस प्रकार का वातावरण बनाने के लिए, इस प्रकार के कुकृत्यों को, इस प्रकार के अपराधों को जस्टिफाई करने के लिए काम कर रही है। और अजीज कुरैशी साहब जैसे लोग, साहब कहना मुझे लगता है साहब शब्द का अपमान है, ऐसे लोग उनको सपोर्ट करते हैं। ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।